पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि प्लस टू एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे उत्तर पुस्तिका पे यानी आंसर बुक पे हम कैसे राइट करें। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिखाया था जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे थे और हमने दिखाया था कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमको एग्जाम में राइट कर दो, क्योंकि प्लस टू के एग्जाम में आपके राइटिंग पे मार्क्स थे, तो हमारा राइटिंग अप्रोच राइटिंग वे दोनों के सटीकता पे मुझे मार्क्स मिलेगा। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में ही हम आज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे आपको काम करके दिखाते हैं कि आप अगर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे क्वेश्चन बनाए तो कैसे अपने आंसर बुक में हम एग्जाम में राइट करें। मैं कल भी बोला था, एक बार फिर से आज रिपीट करता हूं कि कंपटीशन में आपके अप्रोच को नहीं देखा जाता है, आपके राइटिंग वे को नहीं देखा जाता है, सिर्फ आपके करेक्ट आंसर को देखा जाता है। आप कैसे बनाए, क्या अप्रोच था, नहीं सही आंसर पे मार्क्स मिलता है। प्लस टू के एग्जाम में आपके अप्रोच आपके वे पे मार्क्स मिलता है। कहीं ना कहीं दोनों अलग है, दोनों अपने जगह पे इंपॉर्टेंस रखता है, तो हम प्लस टू लेवल पे फोकस करने के लिए आपको इस क्लास में डिस्कस करें। आज हमने टॉपिक लिया है, आइए पहले लिया हूं कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे, लेकिन पर्पस यहां पे है कि आप अपने प्लस टू के एग्जाम में कैसे राइट करें। इसके बेस पे एक फॉर्मूला है जिसपे हम लोग काम करेंगे। फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहां पे कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एक्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इनटू 1। आप जानो कि इसी बेस पे हम लोगों का काम हो। अभी हम क्वेश्चन इस बेस पे करें। आप पहले आप जानिए, कोई पूछे ये डेल्टा टीएफ क्या है, इसको लैंग्वेज में बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यदि इसको मैं अगर समझा दूं, तो जब किसी ने बोला टैल सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है यानी घटता है, और जितना से फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा उसकी डिप्रेस वैल्यू को हम लोग डेल्टा टीएफ का वैल्यू कहेंगे, यानी ये डिप्रेशन है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आप डेल्टा टीएफ बराबर लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों का डिफरेंस जो है मेरे दोस्त, ये दोनों का डिफरेंस जो है ये डेल्टा टीएफ। तो चलो इसको समझे, कोई पूछे ये क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अगर देखिए मैं आपकी क्लास में डिस्कस करूं, ये तो मैं क्वेश्चन के अप्रोच में बात कर रहा हूं, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। एक्चुअल में कह रहे हम लोग सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन एक्चुअल में ये भी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। अंतर क्या है, जब ये सॉल्वेंट की बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का जब वो अकेला है, जब इसकी बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ही है, लेकिन जब वो सॉल्यूट के साथ है, मतलब सॉल्वेंट का ही फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है जब सॉल्यूट को आप ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सॉल्यूट। यानी ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ है, अर्थात इसका नाम पड़ गया सॉल्यूशन। तो ये जो डिप्रेस किया, जो डिक्रीज किया, इसको हमने डेल्टा टीएफ कहा। क्यों डिक्रीज किया, फिर से सुना जाए, ये सॉल्वेंट उस फ्रीजिंग पॉइंट में, सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, जब सॉल्यूट को आप ऐड कर देंगे सॉल्वेंट में तो वो ऐड किया हुआ पार्ट कहला जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कहे लेकिन फ्रीज तो करेगा सॉल्वेंट, इसीलिए ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन कहने के लिए है। यदि एक्चुअल स्टेटमेंट कहा जाए तो मैं आपके थ्योरी में लिखाया हूं कि ये सॉल्यूशन कहने के लिए है, एक्चुअल में ये सॉल्वेंट भी है लेकिन सॉल्यूट के साथ। तो मैंने कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया डेल्टा टी। अगर कोई पूछे ये केएफ क्या है, तो केएफ को आप कहेंगे क्राइओस्कोपिक क्राइस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, या इसी को आप कह सकते हैं मो
डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ सॉलिड। वही पूछे एक्स क्या है, तो एक्स है मास ऑफ सॉल्यूट। कोई पूछे डब्ल्यू क्या है, तो आप जवाब देना मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब कोई पूछे वाई क्या है, तो ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। ये इतना डाटा है जो मुझे क्वेश्चन से इसको डिराइव करेंगे डाटा के रूप में, फिर इस फॉर्मूला पे पुट करके हम जो जो टर्म कैलकुलेट किया रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा उसको कैलकुलेट। एक बार फिर से बोल दो, कोई पूछेगा ये क्या है, तो कहेंगे डेल्टा टी एफ, दैट मींस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ये टीएफ है, लिखा गया है क्रोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी बाबू ये सॉल्वेंट का कॉन्स्टेंट होता है जो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट होता है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केएफ का वैल्यू अलग अलग होता है। वाटर का केएफ याद रखेंगे कि वाटर के केएफ का वैल्यू 1.86 डिग्री सी पर मोलैलिटी, या आप बोलना 1.86 केल्विन इनटू पर मोलैलिटी। तो केएफ का मतलब समझ में आ गया, ये जो है ये सॉल्यूट का मास है। क्या है, सॉल्यूट का मास है। डब्ल्यू पे पूछे क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। और ये वाई की अगर बात करें, कोई पूछे क्या है, कहना ये मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो आप इतना देख रहे हो ना कि x इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इंटू वाई, इसको हम लोग एक साथ क्या करते हैं, मोलैलिटी करते हैं। यानी आप इसको लिख सकते थे कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के इंटू मोलैलिटी। तो हम इस फॉर्मूला पे आपको फॉर्मूला डिस्कस किया, एक बार पढ़ा हुआ भी है, लेकिन फॉर्मूला को हम आपके सामने रखे। अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन लेने का मतलब आपको बनाना नहीं, बनाना तो आपको आता है, आप तो एक्सपेरिमेंटल क्वालिटी पे भी काम कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वालिटी पे भी आप काम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या फंडा दे रहे हैं कि हाउ टू राइट इन 12th एग्जाम आइदर बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, हम कैसे लिखे एग्जाम। आप अपने आंसर बुक में जितना अच्छा लिखेंगे ना उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। और मार्क्स मुझे पूरा में पूरा लेना है, भले बोल दियो, क्योंकि आपको ये नहीं देखेगा, तुमसे कोई पूछेगा ना तुम्हारे आंसर बुक पे भी नहीं रहेगा कि अब तुम उमेश सर से पढ़ क्या है, उमेश सर से पढ़ क्या है, आइडिया क्वेश्चन तो बन जाएगा, तो मेडिकल का एक ही क्वेश्चन आप बना देंगे, लेकिन प्लस टू में बनाने से नहीं होगा, आपके कॉपी में अच्छा लिखना पड़ेगा। उस लिखने के लिए बात करते, और इसीलिए कि आपको 70 में 70 का पंडा भी, 70 में 70 लेके आना, तो मिलना पड़ता, मिलना भी मत मेरे से, इसको पहले उतार लीजिए फिर क्वेश्चन करें। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देखेंगे आप लोग, फिर इसको पढ़ेंगे। और हमने मेरा फंडा है कि प्लस टू एग्जाम में कैसे रहे, चलो कहते व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या माना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माना है, तो लो मैं लिखता हूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वन। ठीक, कहते कंटेनिंग इतना ग्राम सुक्रोज, आप देख लो भाई इतना ग्राम दिया सुक्रोज मतलब शुगर, कल के क्लास में और पूरा केमिस्ट्री आप जानते हैं सुक्रोज, तो आपको दे दिया x, ये मास ऑफ सॉल्यूट x इज इक्वल टू 6.84 ग्राम पर 500 ग्राम वाटर, सॉल्वेंट है y 500 ग्राम, अभी ऊपर के फॉर्मूला में मैं लिखा था। और केएफ ऑफ वाटर आपको दे दिया केएफ इक्वल टू 1.86 डिग्री सी पर मोलैलिटी, है कि नहीं। अब बताओ आपको ये लिखे ना, तो मैं बोला हूं जब आप एग्जाम में सॉल्व करना तो आप ऐसे सॉल्व करना, आप लिखना गिवन डाटा, गिवन डाटा फ्रॉम या इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन ये जो मैं लिखा हूं अपने घर से नहीं लिखा हूं, जो क्वेश्चन में था लिखा हूं, आप एग्जाम में ऐसे लिखे तो क्लियर कट लिखना पड़ेगा, गिवन डाटा इन क्वेश्चन और जो डाटा है मैंने लिखा, मुझे ये निकालना था, ये सब दिया हुआ। अब क्या करेंगे, पहले आप इसको राइट कर लीजिए, इसके बाद क्या करेंगे उसकी चर्चा कर लेंगे। आप इस डाटा को अपने कॉपी में लिखो, लेकिन सोच के लिखो कि प्लस टू में मुझे ऐसे ही लिखना है,
जो मांगा जाए वाट कर दिया, जो दिया जाए लिख दिया। अब इसके बाद हम अपने काम के तरफ प्रोसीड करेंगे। मैंने इसको लिखी। अब बताओ आपने ये डाटा लिख दिया, हमने क्वेश्चन से मुझे तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का चाहिए। तो आपको जब मैं फॉर्मूला भी समझा रहा था, देखा था डेल्टा टीएफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। पहले क्या करेंगे हम लोग यहां लिख लेते हो क्या लिखा हुआ है। एग्जाम में एकदम जरूरी है लेकिन परस्पर एग्जाम में जब आप आइडिया क्वेश्चन सॉल्व करना मत लिखना, सोचना भी मत, फॉर्मूला लिख लेना लेकिन प्लस टू में लिखना पड़े। कहते वी नो दैट, लेकिन कोई पूछे कहां से जानते भाई, तो हम तो पूछ रहे थे लेकिन प्लस टू के तो कॉपी में देखेगा ना, वो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो तो देखेगा तुम कहां से जानता, तो लिख क्या पड़ेगा। ये कि हम जानते थे हमने नहीं लिखा, आप क्या जानते थे उस पे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपके नोटबुक के लिखे हुए पार्ट पे ही मार्क्स देगा। तो हमारा काम है कि जो हम सोच रहे हैं वो वहां लिखे। तो मैं सोचा वी नो दैट, और कहां से, तो फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कंसेप्ट है, देख लो कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल केएफ इनटू एक्स इनटू थॉलिंग बाय डब्ल्यू इनटू वाई। अब अगर मुझे डेल्टा टीएफ भी पहले आप ला लो, डेल्टा टीएफ इज इक्वल, आप देखो केएफ, तो केएफ का वैल्यू मुझे दिया है, आप यहां याद रखिए 1.86 डिग्री सी पर मिलन, ओके, इनटू एक्स, एक्स दिया है 6.84 इनटू थाउजेंड। अब बात आती है डब्ल्यू का, तो आपको मैं अभी पढ़ाया कि डब्ल्यू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट है, और हमारा सोल्यूट यहां पे क्या है, तो सुगर है, तो सुगर का मॉलिकुलर वेट मुझे याद रखना चाहिए, ग्लूकोज का, सुगर का, जो पॉपुलर कंपाउंड है मुझे याद रखना होगा। तो सुगर का मॉलिकुलर वेट मैं आपके नोटबुक में लिखा हूं, और अगर आप नहीं लिखे हैं, आप नहीं जानते हैं, तो आज से जानना, आज से जानना कि सुगर का मॉलिकुलर वेट 342 होता है। आप जो फॉर्मूला रखते हैं चीनी का C12H22 और O11 उसका वैल्यू जोड़ेंगे नहीं, एक बार में रख लेंगे 342। तो आपको मैंने लिखा लेकिन हमको एग्जाम में अपने मन से डालेंगे, हम यहां ब्रैकेट में कर देंगे, लेकिन अभी मैं 342 किया और इनटू वाई दिया है 500। अब देख लो आपको ये नहीं मालूम था, क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो अपने मन से लिखे। तो आप क्या करना, मॉलिकुलर वेट ऑफ सुगर, एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूं सुगर का मॉलिकुलर वेट 342 ब्रैकेट में कर देना, ताकि उसको लगे इसको मॉलिकुलर वेट 342 है। आपकी कॉपी को देखने वाले को होना चाहिए कि आप ये 342 क्या है, उनको अपने भी पता नहीं, लेकिन हमको उनके पता पे तो अपने नॉलेज में तो माफ देगा नहीं, हमारे कॉपी में माफ देगा। तो हम अपने कॉपी की पूर्णता दिखाएं। एग्जाम का मतलब कि आप 2 साल पढ़े और उस चीज को 2 घंटा में दिखा, बताओ तो 2 घंटे में 2 साल के पढ़े हुए बात को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो भाई ढंग होना चाहिए कि 2 साल का पढ़ा हुआ है, 2 साल को 2 घंटा में दिखा कर पूरी पूर्णता से दिखाएंगे कि 2 घंटा हम दौड़े। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेल्टा टीएफ है, बहुत बच्चा ऐसा है ना क्या करेगा, निकालेगा डेल्टा टीएफ, आंसर लगा देगा। बताओ तो मैंने डेल्टा टीएफ को फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन बोला है क्या, ये तो डिप्रेशन है, ये तो डिप्रेशन निकला, ये आंसर कैसे होगा, मेरे से तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था, ये डिप्रेशन निकला है। पहले आप इसको राइट कीजिए फिर हम आगे की बात करेंगे, इसको उतार दीजिए। अब कितना लाए हम लोग, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू इतना डिग्री सी पर मोलैरिटी 6.84 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 342 इनटू 500, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो इसको 2 बार में काट दो, हो गया। आप ये भी देख लो, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये भी 2 बार में कटेगा, लेकिन 0.02 के साथ, मतलब 2 बार में कटेगा और 0.00। तो क्या मैं इसको अब लिखूं, देखिए आप डेल्टा टीएफ इक्वल टू 1.86 डिग्री सी पर मोलैरिटी इनटू ये हो जाएगा 0.02 इनटू 2, और ये जो टर्म इतना होता है ना, ये मोलैरिटी का टर्म होता है, मैं आपको कल बताया था
अभी देख लो मोलालिटी। अब ये जो मोलालिटी टर्म है ये मोलालिटी से कैंसिल हो गया, पर मोलालिटी इनटू मोलालिटी कैंसिल। अब तो डेल्टा टीएफ आया, ये डेल्टा टीएफ 1.86 इनटू 0.02 इनटू 2, अब दिस इज इंटीग्रल सी। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू 0.074 डिग्री सी। ये तो मैंने लिख लिया, लेकिन एग्जाम में आप या तो इसी पेज पे या एक रफ पेज पे क्वेश्चन नंबर के साथ आप लिखना कैलकुलेशन फॉर क्वेश्चन नंबर दिस, ये जो पार्ट है ना इसको यहाँ ऐसे लिखना है, लेकिन आप या तो बगल में यहाँ मार दो रफ वर्क, या तो एक पेज पर निकाल लेना कि क्वेश्चन नंबर इतना करा। हालांकि मेरे विचार से मेरा प्रश्न है कि आप रफ को यहीं पे लिखें ताकि जो भी कॉपी चेक करें उनको इसका कैप्शन दिखे कि ये इतना आया था इसलिए लिखा है, क्योंकि मार्क्स मुझे मिलना है, इसमें मार्क्स मिलना है। तो आपने लिख दिया डेल्टा टी, लेकिन बताओ तो क्या ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है? ये क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकला है, ये तो डिप्रेशन है, मेरे से फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछा है। तो मैं बताया हूं तो क्या लिखो लो, आपने डेल्टा टीएफ निकाल दिया। अब डेल्टा टीएफ तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को लाया तो सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। अब बताओ यहां पे सॉल्वेंट वाटर है, तो आप वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जानते होंगे डिग्री सी में जीरो। देखो यहां डेल्टा टीएफ डिग्री सी में, क्योंकि केएफ डिग्री सी में दिया, आप इस डेल्टा टीएफ को केल्विन में भी कर सकते। तो आपको सॉल्वेंट क्योंकि वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी माइनस ये डेल्टा टीएफ 0.074 डिग्री सी। दोनों को डिफरेंस करेंगे माइनस 0.074 डिग्री सी। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन का ये क्या होगा, आंसर होगा, और यही आपका आंसर है। अगर आपको मन हो कि इस आंसर को हम केल्विन में लिखे तो आप इसमें 273 को ऐड कर देना, इतना प्लस 273, तो ये डिग्री सी को आप केल्विन में चेंज करके लिख सकते हैं और ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया डेल्टा टीएफ पे क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी बना के दिखाते हैं कि हम लोग एग्जाम में कैसे लिखे। पहले आप इसको उतार लीजिए और फिर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन करेंगे। पहले उसको उतार लीजिए।